अच्छा बेटा चालू हो गया। अच्छा अच्छा आइए, हम लोगों ने फिनॉल खत्म कर लिया था, अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के लिए हमने चंदा दिया है और इसको मड़ा के रख लेंगे, ठीक है। पैसे नहीं बताए जाते हैं, गुप्त दान दिया है, गुप्त दान है ये, बस तुम लोग बात करने योग्य रही हो, हट आ जाओ। बैन जल्दी हट की बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इसे ऑयल ऑफ बिटर एलमंड भी कहते हैं। बोलो बच्चों, ऑयल ऑफ बिटर एलमंड भी कहते हैं। और यार देखो तो मुझे बेंजल्डी हाइड में कुछ पढ़ाना ही नहीं है, देखो कॉपी पर। पहला लिखा है मेथड ऑफ प्रिपरेशन रोजन मुंड रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ लिंडलर सिकेटा, एसिड क्लोराइड ले लो, लिंडलर सिकेटालिस्ट डाल दो। बच्चों बोलो बेटा, आपने यहां पे ले लिया बेंजोइल क्लोराइड और यहां पे डाल दिया आपने लिंडलर स्कैटालिस्ट, रिडक्शन हो जाएगा और बच्चों क्या बन जाएगा, बेंजल्डी। इसे कहते हैं रोजन मुंड रिडक्शन। कोई बच्चा मुझे बताएगा, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी रोजा, याद है रोजा, रोजन मुंड ऑब्जो स्टीफन ओनली फॉर एलडी, तो पुरानी रिएक्शन है। आगे बढ़िए, आगे वाली देख के तो आंसू आ जाएगा। स्टीफन रिडक्शन कौन सा, ये रहा स्टीफन, यहां पे क्या ले लेंगे साइनाइड। स्टीफन रिडक्शन में हम लोग साइनाइड को रिड्यूस करते हैं सीएचओ में, याद है बच्चों। What is Stephen's reducing agent? SnCl2 plus concentrated HCl followed by hydrolysis. This is Stephen's reduction. अगला पॉइंट भी देख के आंखें तो भरी आएंगी। क्रॉस ड्राई डिस्टिलेशन कैल्शियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, नजरे सामने मैंने बेंजोइक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लिया। बच्चों साल में देखो, अगर मैं इसका ड्राई डिस्टिलेशन कराऊं, ये सिंपल ड्राई डिस्टिलेशन होगा, आपको ओपन चेन कीटोन मिलेगा, यहां पर भी बेंजीन आ जाएगी और यहां पर भी बेंजीन आ जाएगी, ये तो बच्चों बन गया बेंजोफिनोन। क्या बन गया, मेरे को बेंजोफिनोन नहीं बनाना था, मेरे को तो बेंजल्डिहाइड बनाना था, यहां पर H लाना था। आप समझ तो गए होगे, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप ला रहे हो तो हमें मिक्सचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक लोगे इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट और दूसरा लोगे इसके कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट, दैट इज कैल्शियम फॉर्म। समझ में आ गया, इसे कहते हैं क्रॉस डिस्टिलेशन। एक वैलेंसी पर ये आ जाएगा और दूसरी वैलेंसी पर ये आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, आगे बढ़े। बच्चों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये लैबोरेटरी मेथड है बेंजल्डिहाइड का, आपकी कॉपी पे नहीं लिखा है, हाशिए पे लिखो, बेंजाइल क्लोराइड। बड़ा बड़ा क्या, बेंजाइल क्लोराइड, इसका बच्चों हम लोग हाइड्रोलिसिस होगा कॉपर नाइट्रेट की प्रेजेंस में और हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। दिस इज द लैबोरेटरी मेथड। बेंजल्डिहाइड को बनाने का ये लैबोरेटरी मेथड है कॉपर नाइट्रेट के द्वारा बेंजाइल क्लोराइड का ऑक्सीडेशन कराया है कॉपर नाइट्रेट से। दिस इज द लेबोरेटरी मेथड, हाशिए पे लिख लो 4 नंबर डालकर, ठीक है बच्चों। मंडे से क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन, बढ़िया चैप्टर है वो भी, एक सवाल आता है उससे, ठीक है। आइए बच्चों लोग प्रॉपर्टी में चले, हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, रिवाइज करो।
सुनना, कार्बोनिल कंपाउंड जब आपने हमसे पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन, तो मैंने उनकी प्रॉपर्टी को कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया था। पहला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, आप सिर्फ सुनिए, जो पढ़ते हैं उनको अच्छा लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद HCl, RMGX, एल्कोहल और सोडियम बाइसल्फाइड, जिसकी हेल्प से याद करिए हम कार्बोनिल को दूसरे फंक्शनल ग्रुप से सेपरेट करते थे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये भी देगा HCN के साथ, ग्रिगनॉड के साथ, एल्कोहल के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, खत्म करें। दूसरी रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड की थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय इलिमिनेशन विद अमोनिया डेरिवेटिव, हाइड्रोजन से हाइड्रोजोन, फिनाइल हाइड्रोजन से फिनाइल हाइड्रोजोन, बोलो मत बे, 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजन से 2,4-dinitrophenyl हाइड्रोजोन, हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्साइन, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट पढ़ाया था, प्राइमरी एमीन से इमीन, याद है? उस इमीन को हम लोग कहते थे सिर्फ बेस, याद है? ये सारी रिएक्शन ये भी देगा, हाइड्राजीन डाल देंगे हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन, बेडिस एजेंट से भी रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन से ऑक्साइन बनाएगा, प्राइमरी एमीन से सिर्फ बेस बनाएगा, क्या बनाएगा? सिर्फ बेस विद प्राइमरी एमीन। तो ये भी वही सारी रिएक्शन शो कर रहा है जो आपके एलिफेटिक करते हैं। तीसरी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी ऑक्सीडेशन, ऑफकोर्स बेंजल्डिहाइड पर फेलिंग का असर तो नहीं पड़ेगा क्योंकि फेलिंग सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, लेकिन टॉलेंस का फर्क पड़ेगा, टॉलेंस रिएजेंट एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करते हैं और एरोमेटिक को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, और हमें मिलता है सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट, वही रिएक्शन ये भी है। अगली रिएक्शन हमने पढ़ी थी रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, वो ये नहीं देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं। लास्ट रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी कैनिजारो रिएक्शन, ये भी देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसको एल्कली में गर्म करेंगे तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, इसका ऑक्सीडेशन भी होगा और इसका रिडक्शन भी होगा। किसी बच्चे को इससे? तो बच्चों बेंजल्डिहाइड की प्रॉपर्टी में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये वो सारी रिएक्शन शो करता है जो हम लोगों ने एलिफेटिक में पढ़ी थी। मैं आपको यहां पर सिर्फ दो नई रिएक्शन पढ़ाऊंगा जो सिर्फ बेंजल्डिहाइड देता है, एक बेंजोइन कंडेंसेशन, बोलो आवाज नहीं आ रही है, दूसरी बच्चों परकिन रिएक्शन, बोलो। ये दो रिएक्शन ऐसी हैं जो एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। ओके, तो आइए हम लोग सीधे चलते हैं एक्सक्लूसिव रिएक्शन में, पहली लिखी हुई है बेंजोइन कंडेंसेशन। कोई डाउट बच्चों किसी को? बेंजोइन कंडेंसेशन गिवन बाय ओनली बेंजल्डिहाइड, ध्यान रखिएगा ये रिएक्शन एलिफेटिक एल्डिहाइड नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हेडिंग पड़ी हुई है एक्सक्लूसिव रिएक्शन। देखिए बेटा, कैसे पहचानोगे ये बेंजोइन कंडेंसेशन है? एरो के ऊपर देखिएगा अगर लिखा हो एल्कोहलिक केशियन, बच्चों बोलो क्या क्या होगा? आप इसके दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे, बच्चों बोलो कितने मॉलिक्यूल, और कुछ मत करना, समझाने का ये तरीका है समझिए, कुछ मत सोचना, एक को बना देना सबस्ट्रेट, एक को बना देना रिएजेंट, इसका प्लस और ये कर लेना माइनस, पाई बॉन्ड कटा, माइनस पे चला जाएगा प्लस और प्लस पे चला जाएगा माइनस, देखिए क्या बन गया, C6H5CH OH,
और यहां से जुड़ गया सी डबल बॉन्ड ओ सी सिक्स एच फाइव। बच्चों इसे कहते हैं बेंजोइन। क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। चुपचाप एडिशन करवा देना, प्लस को भेज देना माइनस के पास, माइनस को भेज देना प्लस के पास, बेंजोइन बन जाए। आपकी कॉपी में हमने इसके आगे भी रिएक्शन दिखाई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर बेंजोइन कंडेंसेशन खत्म हो जाता है। ये मैं एक्स्ट्रा रिएक्शन दिखा रहा हूं, सब लोग देखो। कीटोन का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ये सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा कीटोन में, तो यहां पे बनेगा C6H5C डबल बॉन्ड O। बच्चों इसका नाम याद रखा जाता है, इसे बेंजिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजिल। ओके, तो क्या बेंजोइन कंडेंसेशन समझ में आ गया आपको? इसका बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो होता है। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ये केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कौन सा? क्या कुछ लिखना है आपको? प्लस और माइनस दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, ठीक है। बेटा अगली रिएक्शन लिखी है क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन, नहीं पढ़ाऊंगा, कौन बताएगा? ऐसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जिसमें सबस्ट्रेट बेंजल्डिहाइड हो उसे कहते हैं क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन। याद है? नहीं याद है? अच्छा याद है तो बताओ जरा पूरी क्लास। एल्डोल कंडेंसेशन में जिसका फंक्शनल ग्रुप इस्तेमाल होता है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं, और जिसके दो अल्फा एच इस्तेमाल होते हैं वो रिएजेंट, पानी और डबल बॉन्ड से बनने वाले को कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। इज इट क्लियर? अब अगर बेटा यहां पे सबस्ट्रेट हो जाए बेंजल्डिहाइड, दुर्भाग्यवश रिएजेंट ये हो नहीं सकता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन है नहीं। बेंजल्डिहाइड हो जाए सबस्ट्रेट और किसी दूसरे को ले लो एस रिएजेंट, H2O निकाल दो। ऐसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन को हम कहते हैं क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन। ओके, आपकी कॉपी पर देखिए बेंजल्डिहाइड के नीचे लिख दो सबस्ट्रेट S और एसिटल्डिहाइड के नीचे लिख दो R। बाकी कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, प्रोडक्ट बनाकर दिखा दिया गया। ओके, क्लियर है बच्चों? लास्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परकिन रिएक्शन। सामने देखिए, डालिए इंपॉर्टेंट, अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए सब लोग। परकिन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इधर देखो सब लोग, हम लोग लेते हैं बेंजल्डिहाइड बिकॉज दिस रिएक्शन इज गिवन ओनली बाई बेंजल्डिहाइड। बेंजोइन कंडेंसेशन और परकिन रिएक्शन ये दोनों एक्सक्लूसिव रिएक्शन है बेंजल्डिहाइड की। अच्छा, हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं किसी एसिड एनहाइड्राइड से। क्या ये एसिड एनहाइड्राइड है? अगर आपको ये पता करना हो ये किस एसिड का एनहाइड्राइड है तो इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्राप्त होंगे। सहमत हो? मतलब दिस इज द एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक, हम लिख सकते हैं इसका नाम, वेरी गुड, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, आप सुधर है ना? जिस एसिड का तुम एनहाइड्राइड लोगे उसी एसिड का तुम सोडियम सॉल्ट लोगे, यही समझने वाला पॉइंट होता है। परकिन रिएक्शन में जिस एसिड का तुम एनहाइड्राइड ले रहे हो उसी एसिड का तुम सोडियम सॉल्ट लोगे,
इस स्ट्रक्चर को कहेंगे परकिन रिएक्शन। अब सवाल यह है कि परकिन का प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। सुनो सामने देखो, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं इसके दो एच को अलग से दिखा दे रहा हूं, ठीक है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? क्या करेंगे, इस प्रकार से H2O निकल गया, क्या निकल गया? ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ गया, आपका प्रोडक्ट ये बना। सब लोग ध्यान से देखिएगा, जगह कम पड़ रही है। ये बना, ये जो बच्चों बनता है, अब क्या होता है कि उसी बर्तन में पानी निकला और ये है एक एसिड डेरिवेटिव, एनहाइड्राइड लिंकेज सबको दिखाई पड़ रही है। तो ये पानी क्या करता है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर देता है। RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो गया, बचे हुए भाग को बचा हुआ कंस दे दीजिए, तो ये देखो आपका प्रोडक्ट बन गया अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस रिएक्शन को कहते हैं परकिन रिएक्शन। ध्यान से देखिए, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जिस एसिड के एनहाइड्राइड से कराते हैं उसी एसिड के सोडियम सॉल्ट की प्रेजेंस लेते हैं। सर्वप्रथम इस प्रकार से वाटर निकलेगा, ये दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, आपको एक दूसरा एसिड एनहाइड्राइड प्राप्त हो गया RCOOCOR, ये भी एक एसिड एनहाइड्राइड है। निकला हुआ पानी इसको हाइड्रोलाइज कर देता है और हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को कहते हैं परकिन रिएक्शन। मैंने आपकी कॉपी पर क्या किया है बच्चों, दूसरा वाला स्टेप यहीं पर दिखा दिया है। देखिए दिखाई पड़ रहा है, तो पानी निकला है उसको मैंने यहीं पर हाइड्रोलाइज करके दिखा दिया है, देख रहे सब लोग? तो आप चाहे अलग अलग लिख के दिखाओ चाहे वहीं पर दिखा दो, समझ में आ गया? अगर तुम लोग को दो बार दिखाना है तो जगह तो यार है नहीं। हाँ, एक काम कर सकते हो, ऐसा एक काम कैसे लिखोगे बताओ? आप चाहो तो ये चीज आपकी कॉपी पर तो यहां लिखी हुई है, आप इतनी चीज को ऐसे यहां से दिखा के ऐसे कर दो, जैसे लिखना चाहो लिखो यार, कितना हम बताएं, ठीक है? मैंने दोनों स्टेप आपकी कॉपी में एक ही साथ दिखा दी है, ठीक है? अब जो करना चाहो कर ले यार। तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन जब किसी एसिड के एनहाइड्राइड से कराती हैं उसी के सोडियम सॉल्ट की उपस्थिति में, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, इस रिएक्शन को कहते हैं परकिन रिएक्शन। ठीक है, चलिए लिख लिया। आइए, तो इस प्रकार से बेंजल्डिहाइड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब आपकी कॉपी में डब्बे के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। आपको याद होगा मैंने गामा हाइड्रोक्सी एसिड का हीटिंग एक्शन आपको बताया था,
इंटरनल इस्ट्रीफिकेशन हो गया था। वहां पर मैंने आपसे कहा था अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करते हैं कुछ और बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करते हैं कुछ और बनता है, गामा या उसके आगे के हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करते हैं तो इंट्रामोलिकुलर इस्ट्रीफिकेशन होता है। शायद किसी को याद हो, मैं एक बार दिखाना चाहूंगा। ये समझ में आ गया प्रकिन सबको? आपको ये क्लियर है ना? आपकी कॉपी पर ये दोनों स्टेप मैंने एक साथ कर दिए। पहले आपका ये बनेगा जिसकी हाइड्रोलिसिस होगी इस वाटर के द्वारा, और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड बन जाएगा। ठीक, अब देखिए थोड़ा रिवाइज कराते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्फा बीटा गामा, गामा पे मान लो OH लगा है, तो याद करिए गामा हाइड्रोक्सी एसिड हो या इसके आगे कहीं पर OH लगा हो, जब गर्म करते हैं तो इंट्रामोलिकुलर इस्ट्रीफिकेशन होता है। कुछ याद है? H2O निकल जाएगा इस कार्बन और इसका ऑक्सीजन के बीच में, बॉन्ड बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, पांच कार्बन का साइक्लिक ईस्टर बन जाएगा। कुछ याद आए? किसी को तो याद आएगी। अच्छा, अब मैंने आपसे वहां पे कहा था अगर ये OH अल्फा पे लगा है तो गर्म करने पे कुछ और बनता है, बीटा पे लगा है तो गर्म करने पर कुछ और बनता है, गामा पे लगा है तो इंटरनल इस्ट्रीफिकेशन हो जाता है। आज समय आ गया है बीटा हाइड्रोक्सी एसिड का हीटिंग एक्शन देखने का। तो देखिए आपकी कॉपी पर बीटा हाइड्रोक्सी एसिड दिया गया है और इसको गर्म कर रहे हैं। बेटा बहुत आसान है, देखिए अगर दिल पर हम हाथ रखकर देखें तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा। क्यों? जरा इसको देखो, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, याद है, जिसे आप लोग एल्डोल या कीटोल कहते थे। कुछ याद है? एल्डोल या कीटोल को गर्म करने पर अल्फा बीटा पोजीशन से पानी निकल जाता था और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता था। कुछ याद है? हमने वहां पे बताया था कि आखिरकार कंसंट्रेटेड H2SO4 को डालने की जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है, क्योंकि बनने वाला कंजुगेशन से स्टेबलाइज हो रहा है, डबल सिंगल डबल। इसलिए एल्डोल और कीटोल जो होते हैं ये डिहाइड्रेशन के प्रति इतने रिएक्टिव होते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने की जरूरत नहीं पड़ती। दिल पे हाथ रख के बताइए इसमें और इसमें तुम्हें कुछ अंतर लग रहा है? सोच के भी देखो यार, दिल पे हाथ रख के, कोई अंतर लग रहा है क्या? अगर इसको गर्म करके आपने अल्फा बीटा से पानी निकाला तो यहां पर भी तो कंजुगेशन आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? इसलिए जो हीटिंग एक्शन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल का होता है वही हीटिंग एक्शन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिल का भी होता है। यहां से मिलता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, यहां से मिलेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, यही लिखा हुआ है आपकी कॉपी पर, पानी हटाते हुए दिखा दो, दैट्स इट। राइट बेटो, चले अब हम लोग आ रहे हैं एक स्टेप आगे। बेंजल्डिहाइड जिसे हम लोग ऑयल ऑफ बिटर एलिमेंट कहते हैं वो खत्म हो गया है। अगला पॉइंट है नाइट्रोबेंजीन ऑयल ऑफ मिरबेन या आर्टिफिशियल ऑयल ऑफ बिटर एलिमेंट कहते हैं। आइए, नाइट्रोबेंजीन की कोई भी प्रिपरेशन आपकी कॉपी पर नहीं लिखी है। क्यों बताएं बे? क्यों बताएं?
पहला प्रिपरेशन तो यही हो गया, बेंजीन का करा दो नाइट्रेशन, हा या ना? नाइट्रेटिंग मिक्सचर NO2 प्लस अटैक करेगा और नाइट्रोबेंजीन बनेगा, क्या ये रिएक्शन लिखवाने की जरूरत थी? नहीं। दूसरी रिएक्शन भी आपको मालूम है, दूसरी रिएक्शन में तो इसका रिडक्शन है, नहीं एक ही है, तो क्या ये मुझे लिखने की जरूरत थी कॉपी पर? नहीं। इसलिए मैंने सीधे नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आपकी कॉपी पर शो किया है, इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपकी कॉपी पर शो करी। तैयार है सब लोग? देखिए, नाइट्रोबेंजीन की प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है और वो है इसका रिडक्शन। देखिए, जब हम लोग नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं तो ये रिडक्शन बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। हमें यहां पर बहुत प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। आइए हम आपको दिखाएं कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेने पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। पेन कॉपी बंद करिए, सामने देखिए, ये रहा नाइट्रोबेंजीन, हम इसका रिडक्शन कराएंगे। बच्चों, इसका रिडक्शन तीन स्टेपों में होगा। सबसे पहले दो एच अंदर आए और इसको रिड्यूस कर दिया नाइट्रोसोबेंजीन में। बच्चों बोलो किसमें? एक ओ दो एच को लेकर पानी के रूप में अलग हो गया, नाइट्रोसोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड स्टेप में फिर से दो हाइड्रोजनों के द्वारा इसका रिडक्शन हुआ, पाई बॉन्ड कटा, एक एच इधर एक एच इधर, फॉर्मेशन हो गया फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन का, फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन का। बच्चों, क्या इसका नाम आप नहीं कर पाओगे? अगर C6H5 की जगह पर मैं H लगा देता, इसके सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर पर मैं पहुंचता तो उसका नाम होता हाइड्रोक्सिल एमीन। तुमने H को हटाकर फिनाइल लगा दिया, नाम हो गया फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन। सब सिखाया है, कोई बच्चा ये ना कहे, ठीक है। तीसरे स्टेप में फिर से दो हाइड्रोजन अंदर आएंगे और इसको रिड्यूस कर देंगे समथिंग लाइक दिस। लास्ट रिड्यूसिंग प्रोडक्ट होगा एनिलीन। ये देखिए, मतलब नाइट्रोबेंजीन का तीन स्टेपों में रिडक्शन होता है। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज नाइट्रोसोबेंजीन, द सेकेंड प्रोडक्ट इज फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन, द थर्ड प्रोडक्ट इज एनिलीन। हर स्टेप में दो हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो रहे हैं, या आप यूं कह सकते हैं कि हर स्टेप में दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। इजट के लिए मेरे स्टूडेंट, स्पेशली इस बैच वालों को तो मालूम ही है, एक मोल मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है वही उसका वैलेंस फैक्टर होता है। इस बैच के बच्चों को पूरा समय देकर समझाया था। तो अगर मैं आपसे कहूं कि नाइट्रोबेंजीन इसमें रिड्यूस हुआ, बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? तो मॉलिकुलर वेट बाई टू होगा। समझ में आया कि नहीं? नाइट्रोबेंजीन फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन में रिड्यूस हो रहा है, बताइए इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एम बाई फोर। नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में रिड्यूस हो रहा है, बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? एम बाई सिक्स। एक मोल मॉलिक्यूल जितने इलेक्ट्रॉनों को लूज
या गेन करता है वही उसका बैलेंस फैक्टर कहलाता है। इस बैच में मैंने 5-10 मिनट पूरा समझाया था, क्या पॉइंट था? हाँ, H2SO4 वाला पॉइंट था, याद आ गया सबको? चलिए, आपके नीट में यह सवाल आ चुका है, ये नाइट्रोबेंजीन एनिलीन में रिड्यूस हुआ, बताइए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिकुलर वेट बाय 6। ओके बेटा, आइए ठीक है, आइए देखते हैं। अब सवाल बच्चों ये है कि किस रिड्यूसिंग एजेंट में कौन सा प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा, तो ये डिपेंड करेगा आपने रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया हुआ है। ठीक, जैसे इसको ऊपर कर दो, देखिए सबको पहले क्लियर हो गया, दो दो एच अंदर आएंगे और प्रोडक्ट बनाते चले जाएंगे। पहला प्रोडक्ट है, मुंह से बोलो, जोर से बोलो, दूसरा बोलो, जोर से बोला करो, फिर से बोलो, तीसरा बोलो, ठीक। अब कौन से रिड्यूसिंग एजेंट में क्या बनेगा ये देखना है, देखिए ध्यान रखिएगा दिमाग में, ठीक है। ये रहा नाइट्रोबेंजीन, आइए पहला रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया Fe+HCl या Tin+HCl या हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, रटा हुआ है पूरी क्लास को, NO2 ग्रुप रिड्यूस इनटू, याद है? यहां पे आपको तीसरा प्रोडक्ट मिल गया एनिलीन, बोलो याद आ गया। अब नेक्स्ट हमने दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लिया Fe+Stearin, हमें पहला प्रोडक्ट यहां पर मिलता है नाइट्रोसोबेंजीन, बच्चों बोलो कौन सा, बच्चों बोलो कौन सा, हमने यहां पे लिया Zn+NH4Cl, हमें दूसरा प्रोडक्ट प्राप्त होता है फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमी। अरीबा जी आपने यही सवाल भेजा था हमको, ठीक है, तो वेट किया करिए, खत्म नहीं हुआ था एरोमेटिक। तो Zn+NH4Cl अगर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमी, राइट। आइए आगे बढ़े, अब मेरी बात सुनना बेटा, जो पहला वाला रिडक्शन हो रहा है अगर ध्यान से देखें तो वो एसिडिक मीडियम में हो रहा है, किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम। दूसरा और तीसरा अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल मीडियम में हो रहा है, बोलो किस में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में रिडक्शन हो गया, न्यूट्रल मीडियम में रिडक्शन हो गया, अब लास्ट बचा एल्केलाइन मीडियम में, बोलो किस में। मेरी बात सब लोग सुनेंगे, एल्केलाइन मीडियम में बच्चों क्या होता है, ये जो आपने तीन प्रोडक्ट बनाए थे, ये इन तीन प्रोडक्ट में कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है इनके दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और हमको डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, राइट। तो सुनिएगा, इन एल्केलाइन मीडियम व्हाट हैपेंस, कपलिंग टेक्स प्लेस, बच्चों बोलो क्या हो जाती है, कपलिंग रिएक्शन हो जाती है। सुनिएगा सब लोग, नाइट्रोबेंजीन में सिर्फ एक क्वेश्चन आता है और वो है उसके रिडक्शन के ऊपर, बहुत भयानक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आराम से देखिए, सिर्फ रिडक्शन लिखा है कॉपी पर, देख लो नाइट्रोबेंजीन की कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं लिखी होगी, सिर्फ लिखा होगा रिडक्शन, ठीक। आ जाओ, चलो आ जाओ, सीधे बताना उत्तर, नाइट्रोबेंजीन विद Fe+HCl,
नाइट्रोबेंजीन विद एफई प्लस स्टीम, नाइट्रोबेंजीन विद जिंक प्लस एलएच फोर सीएल, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन। समझ में आ गया? अब बेनिफिट लग रहा है आपको। अब देखते हैं कपलिंग कैसे होती है। सुनिए सुनिए सब लोग, हमारा पहला प्रोडक्ट था नाइट्रोसोबेंजीन, हा या ना, और दूसरा प्रोडक्ट था फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमी। क्लियर बच्चों? सब लोग देखेंगे, थोड़ा सा घुमा के लिख दे रहा हूं, बस थोड़ा सा घुमा के लिख रहा हूं। OH को ऐसे ऊपर दिखा दे रहा हूं और एक H इसका और दिखा दे रहा हूं, ठीक है। फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमी कपलिंग देखो कैसे होगी बच्चों। H2O बाहर चला गया, बोलो हाँ या ना। H2O बाहर चला गया, ये N इस N के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ गया। सोचिएगा, फील करिएगा सब लोग, नीचे मत देखिए बिल्कुल भी, आप सब लोग ऊपर देखिए। ये N इस N के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ गया, क्या बेटा? हाँ वही मुझे लग रहा था कि ज्यादा लग रहा है ना। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, ठीक सुनो बेटा, तो यहां पर भी नहीं होगा, है ना, सामने सब देखेंगे। देखा बेटा, हमने फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन को थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिख दिया। ओ का हमें एच लेना था और N का हमें H लेना था, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिख दिया हमने। इस प्रकार से वाटर को हटा दिया, समझिएगा मेरी बात। ये N इस N से डबल बॉन्ड से जुड़ा, लेकिन इसकी वैलेंसी तो एक ही फ्री हुई है। अगर आपने डबल बॉन्ड से जोड़ दिया तो ये भड़बड़ा जाएगा। तो होगा क्या, ये इस नाइट्रोजन को कोवेलेंट को छोड़ देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाएगा। बात क्लियर? अब देखिए इसकी वैलेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तीन बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन, तीन ही बॉन्ड बनाए हैं और अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया है, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट में कपलिंग रिएक्शन हुई, वाटर बीच से निकल गया और एक ऐसा कंपाउंड बन गया जिसका नाम है एजो बेंजीन। में तुमने ओ लगा दिया है, नाम बन गया एजोक्सी बेंजीन। अगर इसका फिर से रिडक्शन कराएं तो H2O निकल जाएगा और ये एजो बेंजीन में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? एजो में। अगर हम इस एजो बेंजीन का फिर से रिडक्शन कराएं, पाई बॉन्ड कटेगा, एक एक एच मिल जाएगा, हमें मिलेगा हाइड्रेजो बेंजीन। बोलो बच्चों, बोलो, एजोक्सी बेंजीन ये तो पुराना है, एजो बेंजीन, और ये है हाइड्रेजो बेंजीन। एजो बेंजीन में ये क्या हुआ है? किसने किया ये? हमसे हुआ? पानी जरा ले आओ, पानी लेकर नहीं आया, ठीक है? चालू हो गया, चल रहा है बड़ा, पानी ले आओ जरा। तो चलो वहीं बैठे रहो, क्या दिक्कत है, वहीं बैठी रहो। अच्छा बैठो, गिरा तो पैसे ले लेंगे, अब की बार चाहे हमसे गिरे पैसे तुमसे लेंगे। सुनो, तो मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, तो ऐसा गिर पड़ा था मोबाइल, कि अपन लोगों ने एसिडिक मीडियम में रिड्यूस किया एनिलीन में, न्यूट्रल मीडियम में दो पड़े एफई प्लस स्टीम, तो नाइट्रोसोबेंजीन में ना
और जिंक प्लस NH4Cl तो N फिनाइल हाइड्रोक्सिल एमीन मिला। अब बात करते हैं एल्कलाइन मीडियम की। एल्कलाइन मीडियम में पहले प्रोडक्ट और दूसरे प्रोडक्ट के बीच में कपलिंग होती है और हमें तीन डिफरेंट प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, दैट इज एजोक्सी बेंजीन, एजो बेंजीन और हाइड्रेजो बेंजीन। अब कौन सा मिलेगा? बहुत ज्यादा भर लाते हो मेरे भाई। तुम बहुत जल्दी ट्रेंड हो गए हो, बहुत बढ़िया, चलो तुम बहुत ही अच्छे हो, चले हो। सुनो, अच्छी वाली लेके आना, ठीक है? अब सुनो, अब एल्कलाइन मीडियम में अपन को इन तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट मिलना है, कौन सा मिलेगा? अगेन ये डिपेंड करेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया है। तो आइए, यहां पे एक ट्रिक है, आओ अब सो जाए लिपट कर, चिपक कर नहीं मैं, बात वैसे एक ही है, दोनों सिनोनिम्स है, अब लिपट कर बोलो या चिपक कर बोलो, ठीक है? देखिए, आओ से बन गया एल्कलाइन मीडियम में अब आर्सेनाइट, सो स्टेनाइट जाए जिंक डस्ट लिपट कर LiAlH4। देखिए, एल्कलाइन मीडियम में आर्सेनाइट का इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगा, दैट इज एजोक्सी बेंजीन। एल्कलाइन मीडियम में अगर स्टेनाइट का इस्तेमाल करेंगे तो सेकेंड प्रोडक्ट आपको मिलेगा एजो बेंजीन, और एल्कलाइन मीडियम में जिंक डस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो थर्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा हाइड्रेजो बेंजीन। रही बात लिपट कर क्यों आ गया, LiAlH4 चौथे नंबर पर आया, और जैसा कि आप जानते हैं जब चौथे नंबर में तो कुछ है ही नहीं तो उसको मानते क्या है, सेकेंड वाला। तो LiAlH4 से वही मिलता है जो स्टेनाइट से मिलता है, दैट इज एजो बेंजीन। हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट इस चीज को पहले से भी जानते हैं, अगर नाइट्रोबेंजीन पर आप LiAlH4 डालते हैं तो याद है आपको एनिलीन नहीं मिलता था, एजो बेंजीन मिलता था, याद है? तो प्लीज लिसन टू मी, प्लीज मैं रुक जाओ, सवाल पहले समझो। सवाल होगा, नाइट्रोबेंजीन पर हमने आर्सेनाइट को डाला इन एल्कलाइन मीडियम, बताइए क्या बनेगा? तो एल्कलाइन मीडियम का मतलब है कपलिंग रिएक्शन, 1 2 3, वो वाले 1 2 3 नहीं, ये वाले 1 2 3। तो आर्सेनाइट में पहला मिलेगा एजोक्सी बेंजीन। सवाल आया, नाइट्रोबेंजीन पर एल्कलाइन मीडियम में स्टेनाइट को डाला, कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? सेकेंड वाला, एल्कलाइन मीडियम के सेकेंड वाला, दैट इज एजो बेंजीन। नाइट्रोबेंजीन पर जिंक डस्ट डाला, बताइए क्या मिलेगा? एल्कलाइन वाला थर्ड वाला मिलेगा, दैट इज हाइड्रेजो बेंजीन। क्लियर? तो आओ अब सो जाएं लिपट कर, जगह दी होगी नीचे मैंने, अब आपको ये लिखना है। सब कुछ बहुत सुंदर लिखा हुआ है, बस आप लोग इसको लिख लीजिए, आर्सेनाइट में पहला मिलेगा, स्टेनाइट में दूसरा मिलेगा, जिंक डस्ट में तीसरा मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं आप, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है, बस ट्रिक लिखनी है आपको। आओ अब सो जाएं लिपट कर,
आर्सेनाइट से पहला मिलेगा, स्टेनाइट से दूसरा मिलेगा और जिंक डस्ट से तीसरा मिलेगा। चौथे नंबर पे चूंकि कुछ है ही नहीं, इसलिए चौथे वाले से वही मिलेगा जो दूसरे वाले से मिल रहा है। ठीक, यहां पर बैठे शायद ही किसी बच्चों को आर्सेनाइट और स्टेनाइट का फार्मूला मालूम हो। आइए मैं आपको दिखाता हूं। सब लोग तैयार हैं? देखिए, तो एक बार जरा कहीं किसी बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, इसे मैं एक बार और बोलना चाहूंगा, ऐसे भी खत्म ही होने वाला है। ठीक है, देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन तीन स्टेपों में हुआ था शुरुआती दौर। नाइट्रोसोबेंजीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन, एनिडीन। बच्चों, एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में इन्हीं तीनों में से एक आंसर आएगा, लेकिन एल्कलाइन मीडियम में पहले दो आपस में कपल करेंगे एजोक्सीबेंजीन, एजोबेंजीन और हाइड्रेजोबेंजीन को बनाएंगे। ठीक, आइए, ये रहा नाइट्रोबेंजीन। ठीक, अब तुम लोग बताना आंसर, नाम बताना सीधे। ठीक, डाल दिया Fe प्लस HCl, एनिलीन। Fe प्लस स्टीम, नाइट्रोसो बेंजीन। दिमाग में ट्रिक चलाते रहो, नाइट्रोसो बेंजीन। जिंक प्लस NH4Cl, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन। एल्कलाइन मीडियम में आर्सेनाइट, एजोक्सी बेंजीन। क्या मिलेगा? एल्कलाइन मीडियम में स्टेनाइट, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जिंक डस्ट, हाइड्रेजोबेंजीन। AlIAlH4, एजोबेंजीन। तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट अब डाल किसके ऊपर रहे हो? नाइट्रोबेंजीन के ऊपर, और डिफरेंट प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं। अभी क्लियर हो गया? बहुत तेज बोलोगे, बहुत तेज बोलोगे, आग में लगे बोलना। Fe प्लस HCl या टिन प्लस HCl? Fe प्लस स्टीम, जिंक प्लस LH4Cl, फिनाइल हाइड्रोक्सिल में। जोर से बोलो, एल्कलाइन मीडियम में आर्सेनाइट, एल्कलाइन मीडियम में स्टेनाइट, एल्कलाइन मीडियम में जिंक डस्ट और AlIAlH4 से अगेन स्टेनाइट वाला मिलेगा एजोबेंजीन। अभी क्लियर हो गया? आइए अब हम लोगों ने एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, एल्कलाइन मीडियम, तीनों मीडियम में नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन ना सिर्फ पढ़ा बल्कि हम लोगों को रट भी गया। अब हम लोग लास्ट जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, मतलब हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन हम किसी रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं करेंगे, हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। किसके द्वारा? तो एक आवाज बताना, अगर इलेक्ट्रोलिसिस से किसी का रिडक्शन करोगे तो कैथोड पर होगा या एनोड पर? कैथोड पर। रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन। तो हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे अब कैथोड पर पढ़ेंगे। तीन रिडक्शन पढ़ने हैं आपको, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, वीक एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम। लर्निंग ट्रिक है, बाप उल्टा बाप, उल्टा बाप। पी से बना पैरा एमिनोफिनॉल, ए से बना एनिलीन और बी से बना बेंजीडीन। उल्टा बाप, पैरा एमिनोफिनॉल, फिनॉल की पैरा पोजीशन पर NH2 लगा दो, ए से बना एनिलीन और बी से बना बेंजीडीन। बेंजीडीन कुछ नहीं है बच्चों, बाई फिनाइल बनाइए और इनकी पैरा पोजीशन पर NH2 लगा दीजिए, दिस इज बेंजीडीन। उल्टा बाप, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में पैरा एमिनोफिनॉल,
वीक एसिडिक मीडियम में एनिलीन और एल्कलाइन मीडियम में बेंजीडीन। ध्यान रखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में न्यूट्रल मीडियम नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम है, वीक एसिडिक मीडियम है और एल्कलाइन मीडियम। खत्म करें, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन खत्म होता है। तुम्हारी कॉपी पर एक लिखा हुआ है सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन का सेलेक्टिव रिडक्शन बाई अमोनियम सल्फाइड। दोनों NO2 में से किसी एक NO2 को आप NH2 में रिड्यूस कर दो, दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव रिडक्शन, क्वेश्चन आस्क्ड इन एम्स। डाई नाइट्रोबेंजीन में अमोनियम सल्फाइड ले लो या अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, आपका एक NO2 NH2 में रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान रखना बे, दिस इज एक्सक्लूसिव रिडक्शन है मेटा डाई नाइट्रो का, ऑर्थो पैरा लोगे तो ऐसा नहीं होगा, एक्सक्लूसिवली मेटा डाई नाइट्रो बेंजीन। कोई डाउट किसी को? बाप समझ में आ गया? फुल फॉर्म बोलो, पी से ए से बी से मीडियम बोलो, स्ट्रॉन्गली एसिडिक, वीक एसिडिक और एल्कलाइन, न्यूट्रल मीडियम। अब बताओ हमने नाइट्रोबेंजीन में सिर्फ क्या पढ़ा है? रिडक्शन, और कोई रिएक्शन पढ़नी ही नहीं, राइट? हम लोग आगे जा रहे हैं लास्ट हेडिंग की तरफ, दैट इज एनिलीन। बच्चों शुरू का हमें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे मैं प्रॉपर्टी पे आया हूं बच्चों, क्योंकि एनिलीन बनाने का भी कोई तरीका पढ़ने की जरूरत है? अभी पढ़ चुके हो, अभी देखो, चल बोल बोल बोल। नाइट्रोबेंजीन विद एफ ई प्लस एस सी एल एनिलीन बना, और नाइट्रोबेंजीन विद वीक एसिडिक मीडियम एनिलीन बना, हाँ या ना? हम लोग सीधे प्रॉपर्टी पे आ गए। क्या बच्चों एनिलीन के पास कंस है? तो विकास पोरवाल के सोडियम के साथ कौन सी गैस? ग्रिगनॉड के साथ एल्केन, क्या बनेगा? और एसिड डेरिवेटिव क्या करेंगे? आरसीओ का आगे वाला भाग कंस वाले एच को लेकर अलग, बचे हुए भाग को बचे हुए कंस से जोड़। बच्चों अगर तुमने एसिटिल ग्रुप को इंसर्ट किया तो रिएक्शन कहलाएगी एसिटाइलेशन, बेंजोइल ग्रुप को इंसर्ट किया बेंजो, और बेंजोइलेशन इन एनिलीन एंड फिनॉल, सो टेन बोमेन रिएक्शन। को दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, एनिलीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली कार्बिल एमीन रिएक्शन, टेस्ट ऑफ प्राइमरी एंड। अब बच्चों सुनो, देखो आपको याद होगा जब मैं एलिफेटिक एमीन पढ़ा रहा था, इसी कॉपी में है, एक हेडिंग डाली थी मैंने रिएक्शन गिवन बाय प्राइमरी एमीन, याद है? उसमें कार्बिल एमीन था, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन था और HNO2 था। मेरे भाई कार्बिल एमीन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन भी देती है, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन भी देती, लेकिन लेकिन हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल और HNO2 ये दोनों रिएक्शन प्राइमरी एलिफेटिक एमीन देती है, एरोमेटिक एमीन नहीं। विश्वास है? तो देखो ये रिएक्शन तो तुम्हारी आत्मा में चली गई है कि अगर एरोमेटिक प्राइमरी एमीन में हम HNO2 को डालेंगे तो एल्कोहल नहीं आता है बल्कि डायजोटाइजेशन हो जाता है, याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? अगर एलिफेटिक प्राइमरी एमीन होता तो एल्कोहल बन जाता,
एरोमेटिक प्राइमरी एमीन है तो डायज़ोटाइजेशन हो गया, हो गया। अब जरा तुम लोग देखो हॉफमैन मस्टर्डॉल रिएक्शन, हमने डाला कार्बन डाई सल्फाइड। अब देखना बच्चों, जब एलिफैटिक प्राइमरी अमीन लिया था तो 2H और सल्फर निकल गया था, एल्किल आइसोथायोसाइनेट बना था जिसकी स्मेल सरसों के तेल जैसी होती है, उस रिएक्शन का नाम था हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। बच्चों H2S तो यहां भी निकलेगा लेकिन अलग अंदाज में निकलेगा, और यहां पर सरसों के तेल जैसी खुशबू नहीं आएगी। इसलिए ध्यान रखना, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन ऑलवेज गिवन बाय प्राइमरी एलिफैटिक एमीन, नॉट बाय प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। एलिफैटिक में एक ही मोल से पानी H2S निकला था, यहां पर 2 मोल से H2S निकलेगा। ये देखिए बच्चों, एक कार्बन से वो वाला जुड़ जाएगा, और दूसरी वैलेंसी से ये वाला जुड़ जाएगा। कोई डाउट? क्या ये सरसों के तेल जैसी खुशबू वाला कंपाउंड है? सरसों की तेल जैसी खुशबू वाला कंपाउंड होता था एल्किल आइसोथायोसाइन, जबकि यहां तो कुछ और बन रहा है। समझ में आ रहा भाई? सवाल है इसका नाम क्या है? आओ, इसका नाम क्या है बोलो बे? ओ वटाके एस, थायो यूरिया। अब थायो यूरिया में एक एक एच हटाकर फिनाइल ग्रुप लगा दिया, एन कॉमा एन डाई फिनाइल थायो, ये इसका नाम है। क्लियर? तो बच्चों क्या आपको सरसों की तेल जैसी खुशबू आई? नहीं आई। नेक्स्ट पॉइंट, अगली रिएक्शन भी जो मैंने जल्दी में लिखा था वो भी लिखी हुई है। एनिलीन के ऊपर NaNO2 प्लस HCl को डालोगे तो डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को कहते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अब जरा सुनिए एक ऐसी बात जो मैंने पहले आपको नहीं बताई, आज समय आ चुका है बताने का। देखिए, याद करिए, जब एल्कोहल पढ़ा रहा था तो एक चीज मैंने कही थी बाद में बताऊंगा, अब वो समय आ गया है। सुनिए सब लोग, ये बना, इस रिएक्शन को कहते हैं डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन। यूजली क्या होता है डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन में, जो एसिड होता है वो एक्सेस में होता है। CBSE में सवाल पूछा गया कि डायज़ोटाइजेशन में HCl को एक्सेस में क्यों लेते हैं। अब सुन लो, मेरी पूरी क्लास जानती है डायजोनियम कैटायन एक ऐसा कमजोर इलेक्ट्रोफाइल है जो एनिलीन और फिनॉल की पैरा पोजीशन पर अटैक करता है और डाई का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम लोग कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। कुछ याद है? अब सुनना बच्चों, सुनना, बर्तन में एनिलीन पड़ा, ठीक, तुमने NaNO2 और HCl को डाला, NH2 बदल गया डायजोनियम क्लोराइड। अब सुनना, उसी बर्तन में डायजोनियम क्लोराइड और उसी बर्तन में एनिलीन, ये दंड से क्या करेगा? इसकी पैरा पोजीशन पर अटैक कर देगा और डाई का फॉर्मेशन करेगा, मतलब कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। हम तो चाहते थे कि डायजोनियम क्लोराइड बन जाए, BDC बन जाए, BDC बना, लेकिन बनने के बाद एनिलीन से फर्दर रिएक्ट कर गया और डाई का फॉर्मेशन हो गया। ये तो पूरा खेल चौपट हो गया, पैसे की बर्बादी हो गई। क्या किया जाए? सुनना, हम एसिड को ले लेते एक्सेस में। एक्सेस वाला एसिड क्या करता है? अगर ये एनिलीन थोड़ा बहुत बच गया,
क्योंकि ये बेसिक होता है, बेस प्लस एसिड बराबर सॉल्ट, ये देखो इस एक्सिस ऑफ HCl ने क्या किया, बचे हुए एनिलीन को बर्बाद कर दिया, जहां ये हाईली रिंग एक्टिवेटिंग होता है वही अब साला हो गया हाईली रिंग डीएन। क्या अब ये इसकी पैरा पे अटैक करेगा? नहीं करेगा। तो सवाल आता है डायजोटाइजेशन रिएक्शन में एसिड को एक्सेस में क्यों लेते हैं? तो उत्तर देंगे टू अवॉइड कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि एक्सेस वाला एसिड बचे हुए एनिलीन को एनिलीनियम क्लोराइड में बदल देता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप को रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में बदल देता है, अब ये इसकी पैरा पोजीशन पर अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, तो हम बताना चाहेंगे हाशिए भी लिखिए, इन हाशिए भी लिखिएगा, इन डायजोटाइजेशन रिएक्शन HCl इज टेकन इन एक्सेस टू अवॉइड कपलिंग रिएक्शन बिटवीन फॉर्म्ड BDC एंड लेफ्ट एनिलीन। क्या मेरी क्लास को लैंग्वेज समझ में आ गई? बने हुए बीडीसी और बचे हुए एनिलीन के बीच में कहीं कपलिंग रिएक्शन ना हो जाए, इसलिए हम एसिड को एक्सेस में लेते। और जहां पर तुम ये लिखोगे हाशिए में, उसी के नीचे ये दिखा देना कि कैसे रोकेगा ये। एक्सेस ऑफ HCl कैसे रोकेगा कपलिंग रिएक्शन, ये भी हाशिए में दिखाइए। ठीक है, समझ में आ गया ऊपर क्या लिखा हुआ है? हाँ देखिए बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात, कितने सवाल है? 160 बांट दो, एक एक सीट गिन के ही दीजिएगा। ठीक है, क्लियर? क्या आपको कपलिंग रिएक्शन में एक्सेस ऑफ एसिड का काम समझ में आ गया? ये स्ट्रॉन्ग रिंग एक्टिवेटिंग को डीएक्टिवेटिंग में बदल देता है। क्या अब डायजोनियम कैटायन कपलिंग रिएक्शन शो करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, चलिए हाशिए पे लिखिएगा उसको। ठीक, क्या मैं आगे बढ़ू? डायजोटाइजेशन रिएक्शन में एसिड को एक्सेस में क्यों लेते हैं? टू अवॉइड कपलिंग रिएक्शन बिटवीन फॉर्म्ड बीडीसी एंड लेफ्ट एनिलीन। कैसे रोकता है ये कपलिंग रिएक्शन? एनिलीन को एनिलीनियम क्लोराइड में बदल देता है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग को स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग में बदल देता है। अब कपलिंग रिएक्शन नहीं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट आइए। अब मैं अपने छात्रों को हटाने जा रहा हूं, इसको देखिए। अच्छा ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे आएगा। अच्छा सुनना बेटा, फिर गिराया। सुनना बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि हम लोग डायजोटाइजेशन में कपलिंग को कैसे रोकते हैं। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं कि डायजोनियम क्लोराइड की कुछ कपलिंग रिएक्शन मैं यहीं पर दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे डायजोनियम क्लोराइड बीडीसी की
तीन कपलिंग रिएक्शन है, लर्निंग ट्रिक है। एडीपी बोलो, बायो पढ़ते हो, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी एटीपी। एडीपी पीला मक्खन, ओए मक्खन पीला होता है ना, पीला पीला मक्खन ही होता है, पीला मक्खन ओए, इस पे बड़ी बहस हो जाती है। एडीपी पीला मक्खन ओए, तो यहां पर ध्यान दो सब लोग, अगर डाइजोनियम क्लोराइड कपलिंग रिएक्शन करता है एनिलीन के साथ, बोलो भाई किसके साथ, बच्चों तुम लोग ध्यान रखना, डाइजोटेंशन यहां पे खत्म हो गया था, ये मैं वहीं पर कुछ कपलिंग रिएक्शन दिखा दे रहा हूं, ठीक है सुनना। देखो अगर बीडीसी ने कपलिंग किया एनिलीन के साथ, आपको याद होगा कपलिंग रिएक्शन से डाई बनती है, क्या बनती है, इस डाई को कहते हैं येलो डाई, पीला से क्या बना, येलो डाई। अगर बीडीसी ने कपलिंग किया डाई मिथाइल एनिलीन के साथ, तो मक्खन का अंग्रेजी में बटर, बटर येलो डाई, कौन सी, बटर। और अगर कपलिंग रिएक्शन हुआ फिनॉल के साथ, ओए ऑरेंज या रेड डाई, क्लियर। एडीपी पीला मक्खन ओए, एनिलीन के साथ कपलिंग कराओगे तो येलो डाई मिलेगी, डाई मिथाइल एनिलीन के साथ कराओगे बटर येलो डाई मिलेगी, और फिनॉल के साथ कराओगे ऑरेंज डाई मिलेगी। मुझे अपने नोट्स पे बहुत कॉन्फिडेंस है, आप जानते हैं आपका ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नीट में आया है, 18-17 की बात है, रिसेंटली नीट में पूछा गया फिनॉल के साथ बीडीसी की कपलिंग होने पर कौन सी डाई मिलती है, ऑरेंज बोलो या रेड डाई बोलो। एडीपी पीला मक्खन ओए लिख रहा गया बाद में, पहले हमें सुनिए, क्या मेरे बच्चे डाई बनाना जानते हैं, ये अटैक ऑर्थो पे करेगा या पैरा पे, आइए डायरेक्ट डाई बनाकर देखते हैं, तैयार है सब लोग, चल बनाते हैं येलो डाई, क्या होगा, ये रहा डाइजोनियम कैटायन, बोलो जो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा एनिलीन के, ये लो भैया ये बन गया येलो डाई, ठीक, हमें बनानी है बटर येलो डाई, ये रहा डाइजोनियम कैटायन जो अटैक करेगा पैरा पोजीशन ऑफ डाई मिथाइल एनिलीन, दोनों एच को हटाओ, दो सी एस थ्री लगा, हमें बनानी है ऑरेंज डाई, ये रहा डाइजोनियम कैटायन जो अटैक करेगा पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल पर, ये रहा आपका ऑरेंज डाई। कोई दिक्कत, किसी बच्चों को फार्मूले लिखने का मन हो लिख लो, एडीपी पीला मक्खन ओए, एनिलीन के साथ येलो डाई, डाई मिथाइल एनिलीन के साथ बटर येलो डाई, फिनॉल या नेप्थॉल के साथ ऑरेंज या रेड डाई। इन्हीं रिएक्शनों को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन, यही रिएक्शन क्या कहलाती है, कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, पीला मक्खन ओए, मक्खन पीला ही होता है, पीला मक्खन ओए, येलो डाई, बटर येलो डाई और ऑरेंज डाई, ठीक है। मैंने आपको यह भी पढ़ाया था फिनॉल में ये कलर्ड क्यों होते हैं, ड्यू टू एक्सेसिव कंजुगेशन, ये भी देखो, लाओ ये भी दिखा दे, किसी एक में दिखा दे रहे, यही तो बेंजीन है, देखो कितना भयानक कंजुगेशन है, देखो डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, दोनों बेंजीन एजोलिंकस से होती हुई
एक दूसरे के साथ कंजुगेशन में होती हैं, इतना भयानक कंजुगेशन होता है जिसके कारण ये कलर्ड होते हैं और डाई में इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, तो इनके कलर होने का रीजन है एक्सेसिव कंजुगेशन। आगे बढ़िए, एनिलीन का रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन लिखी है फॉजीन गैस के साथ, हटा दें इसको, ठीक है। एनिलीन का रिएक्शन फॉजीन गैस के साथ, व्हाट इज फॉजीन गैस? कार्बोनिल क्लोराइड, नहीं मालूम है, HCl निकल गया, फिनाइल आइसोसाइनेट। बच्चों आपकी कॉपी में इसके आगे जो लिखा है वो लास्ट स्टेप ऑफ हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन लिखा हुआ है, दैट इज एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या बताने की जरूरत है मेरे को? अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं एल्कलाइन मीडियम में, दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ, बोल दिया करो, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। कुछ याद आया? चल बड़ा, इसी के नीचे मैंने डब्बे के अंदर एक फोटोकॉपी रिएक्शन कराई है कि मिथाइल एमीन ले लो और इसकी रिएक्शन फॉजीन गैस से कराओ, बनेगा मिथाइल आइसोसाइनेट। इसी को कहते हैं मिक, भोपाल ट्रेजेडी गैस। भोपाल में जो एक बहुत भयानक ट्रेजेडी हुई थी इसी गैस के कारण हुई थी, मिक के कारण। ओके, आइए, जैसे एनिलीन ने रिएक्शन किया वैसी रिएक्शन मिथाइल एमीन करता है फॉजीन गैस के साथ। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट रिएक्शन आपकी कॉपी पर लिखा है एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कितने लोगों के साथ सावधानी बरते हैं? दो, हेलोजिनेशन और नाइट। या तो सावधानी बरतो या फिर रिंग प्रोटेक्शन करा। अगर सावधानी नहीं बरतोगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन होगा विद पुअर यील्ड। जैसे सब लोग बताना, पहली वाली रिएक्शन में क्या सावधानी बरती है? इसीलिए देखिए ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना। क्या दूसरे वाले में सावधानी बरती? नहीं। इसीलिए देखिए ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिला। भाई जी कंसेंट्रेटेड HNO3 में बताया था आपको, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बिल्कुल नाप मात्र का मिलता है। कंसेंट्रेटेड HNO3 खुद एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग होता है जो बेंजीन रिंग को ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। क्या तीसरे वाले में सावधानी बरती है? डाइल्यूट HNO3 टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस। अब देखो तीसरे वाले में मेरे छात्रों ने कुछ नया देखा होगा कॉपी पर, देखो वही नया दिखाने जा रहा है। तुमने सावधानी तो बरती फिर भी देखिए दुर्घटना हो गई। कैसी देखी? आप सावधानी बरत रहे हैं तो आपने ये सोचा NH2 एक OPD ग्रुप होता है, हमें ऑर्थो मिलेगा और हमें मिली पैरा मिलेगा। बोलो हाँ या ना, मेरी बात ध्यान सुनना। एनिलीन में आपने सावधानी बरती ड्यूरिंग नाइट्रेशन, फिर भी देखिए कुछ बदतमीजी हो गई। हमें विश्वास था ऑर्थो और पैरा वाला मिलना चाहिए, लेकिन कॉपी पर देखिए ऑर्थो वाला तो नेग्लेजिबल है, मेटा वाला 47% है। तो बच्चे सवाल यही पूछते हैं कि साला ये मेटा पर कैसे आ गया, ये 51% दिल को सुकून है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 47% कैसे हो गया, बच्चों को ये समझ में नहीं आता। देखिए NH2 इज ए बेसिक ग्रुप, OPD है, इसमें कोई शक नहीं।
जैसे ही आप एच एन ओ थ्री डालते हैं तो इसका एच प्लस ये ले लेता है और मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. एंड दिस इज ए मेटा डायरेक्टिंग. इसलिए एनओ टू प्लस का अटैक मेटा पर हो जाता है और आपका मेटा वाला 47% प्राप्त होता है. क्लियर? यही एक स्पेशल पॉइंट था एनसीईआरटी का. पॉइंट ध्यान रखना पे, एनसीईआरटी में लिखा ये पॉइंट. पैरा वाला 51%, मेटा वाला 47%, ऑर्थो वाला नेग्लिजिबल. क्वेश्चन ये था मेटा वाला कैसे इतना ज्यादा बन गया. उसका रीजन है प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन हुआ एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया, इसलिए मेटा वाला 47% प्राप्त होता है. बाकी कंसेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. ऑर्थो और पैरा पर SO3H ग्रुप आ जाएगा. सावधानी सिर्फ कितने लोगों में बरतते हैं? हैलोजिनेशन और नाइन. क्या सल्फोनेशन में क्या मैंने सावधानी बताई थी? एक ग्रुप SO3H का ऑर्थो पे आ गया, एक बार पैरा पर आ गया. बच्चों ध्यान रखना, जब बेंजीन रिंग पर NH2 और SO3H दोनों ग्रुप होते हैं तो इसका नाम होता है सल्फेनिलिक एसिड. नाम बोलो बच्चों, सल्फेनिलिक एसिड. ये देखिए कैसे नाम पड़ता है सल्फेनिलिक, ये भी सीखिए. सल्फा से मतलब होता है SO3H और एनिलीन, एनिलीन में SO3H ग्रुप लगा दो, सल्फेनिलिक एसिड. ओके, एनिलीन में SO3H ग्रुप लगा दो, नाम बना सल्फेनिलिक एसिड. क्लियर बच्चों? अगर तुम चाहते हो कि नाइट्रेशन कराएं और हमारा जेन्युइन वाला प्रोडक्ट बने ऑर्थो और पैरा ये ना बने, तो सबसे बढ़िया तरीका है रिंग प्रोटेक्शन. क्योंकि सावधानी बरतने के बाद भी दुर्घटना घटित हो रही है. आप चाहते हो दुर्घटना बिल्कुल घटित ना हो तो आप कराएंगे रिंग प्रोटेक्शन, जो मैं आपको फिनॉल में पढ़ा चुका हूं. आइए फॉर प्रैक्टिस दोबारा पढ़ा देते हैं. लिखना नहीं है, नजर सामने रखिए. फॉर प्रैक्टिस तुम लोग मेरा साथ दो. चलो बताओ सबसे पहले क्या कराएंगे? रिंग प्रोटेक्शन. बोलो बे, क्या ये कंस रिएक्शन होगी? RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाएगा. बच्चों क्या रिंग का प्रोटेक्शन हो गया? समझाओ कैसे हो गया. अब इसका लोन पेयर यहां तो जाएगा, तो यहां पर भी जा सकता है, तो इसका रिंग एक्टिवेटिंग पावर. अब कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रेशन कराना था आपको, पूरा मिक्सचर इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसे नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहते हैं. ऑर्थो और पैरा पर ऑर्थो पर भी आएगा और बोलो बे बच्चों इसे एसिटिल ग्रुप कहते हैं ना, इसीलिए कभी कभी एग्जामिनर ऐसे भी लिख देता है, तो परेशान मत हो जाना. एसी का मतलब एसिटिल. अब वापस से मेरे को एनिलीन को पैदा करना था, क्या करा दे? RCO का आगे वाला भाग कंस वाले H को लेकर अलग हो जाए. ये देखिए आप अपने प्रोडक्ट पे आ गए, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एने. तो एनिलीन के केस में जब नाइट्रेशन कराया
तो सावधानी बरतने के बाद भी दुर्घटना घटित हो गई और मेटा वाला 47% बन गया। अगर उससे बचना चाहते हो तो सर्वप्रथम कराइए रिंग प्रोटेक्शन। गुड आउट। और अब समय आ गया है थोड़ा मुस्कुराने का। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फेनिक्स, जय हो। ठीक है, आइए। पहली बार ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ठीक है, और 17-18 साल हो भी गए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने कभी खत्म करी हो 20 फरवरी को, मतलब हमेशा खत्म होती थी 20 अप्रैल 25 अप्रैल को और 4 मई को पेपर होता था। खैर, 2 महीने पहले पहली बार खत्म हुई है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, क्योंकि मैं अब आगे से हमेशा डेली पढ़ाने वाला हूं, अब अगले साल आपको सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपके जो छोटे वोट भाई हमसे पढ़ने आएंगे, आप देखिएगा जब मैं शुरुआत से डेली पढ़ाऊंगा विकास पुरवाल का सिलेबस, लेट लेट के पढ़ाऊंगा ना, तो भी मिड ऑफ फरवरी में खत्म हो जाएगा। मिड ऑफ, कोई मुझे डेली पढ़ाने की जरूरत कोई पड़ी नहीं, अब डेली पढ़ाया करूंगा चाहे एक बैच कम पढ़ाए। मिड ऑफ फरवरी में सिलेबस खत्म। आप लोग आए थे शायद अक्टूबर 20 अक्टूबर, चलो 1 अक्टूबर मान लेते। ठीक, अब देख भाई, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना हुआ? 6 महीने में सिलेबस खत्म हो रहा है अगर मैं डेली पढ़ाता हूं। अगर बच्चे जुलाई में आ जाते हैं जैसा कि होता है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर में खत्म, चल अगस्त मान लेते हैं तो जनवरी, और सितंबर मान लेते हैं तो मैंने सोच लिया है मैं कभी अल्टरनेट नहीं पढ़ाया करूंगा, 2 घंटे की क्लास एंड डेली क्लास, बच्चे भी सुकून में रहते हैं और टीचर भी सुकून में रहते हैं। चलिए, सो खत्म होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग मंडे को पढ़ेंगे क्या? सॉल्यूशन। बच्चों, एरोमेटिक की सीट आपके ऐप में पड़ जाएगी और आप उसके सवाल लगा के डाउट मुझे भेजिए।